चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे कि जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुने हुए हैं, और इन शब्दों की हमारी सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। जिंदा रहने को लेके बहुत कन्फ्यूज़न नहीं है, लेकिन जीने को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न है। और आज की यदि हम अपने परिवारों की स्थिति देखें तो हम बड़े लोगों को लगता ही है कि हमको तो जीना आता ही है, और हम अपने बच्चों को जीने का उपदेश दे ही रहे हैं, और बच्चों को लगता है कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा ठीक नहीं है। तो एक परिवार में बहुत क्लियरली देखें तो हम एक दूसरे की मान्यताओं से जूझ रहे हैं। बच्चे को लगता है कि रात को जगना बेहतर है और मैं रात को 2 बजे सोऊंगा। हमने सुना हुआ था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हमको वो स्वीकार नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें जीने की हमारी परिभाषा और हमारे बच्चों की परिभाषा अलग अलग हो गई है, चाहे वो खान पान को लेके हो, चाहे वो उठने बैठने को लेके हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट नज़र आता है, और वो अपनी ही ज़िंदगी में अपने ही भीतर देखें तो भी एक कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, उसमें भी मेरे को शंका पैदा होती है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ, या मैं जो ठीक सोच रहा हूँ उसको सामने वाला नहीं मानता है तो क्या करूँ। तो ऐसी तमाम चीज़ें हमारे जहन में चलती हैं अपने लिए, अपनों के लिए और बड़े परिवेश के लिए, जहाँ की हमारी परिभाषा दूसरे की परिभाषा के साथ मैच नहीं कर रही है। जैसे यदि मैं आप सबके सामने इस बात को पूछूं कि भाई सारी पत्नियों की अच्छे पति की परिभाषा क्या होगी, तो सभी पत्नियों की अच्छे पति की परिभाषा एक होगी कि अलग अलग होगी? और सारे पतियों की अच्छी पत्नी की परिभाषा, अच्छे मानव की परिभाषा, वो भी अलग अलग ही मिलती है ना? आपके घर में सन्यासी आता है, आप सष्टांग प्रणाम भी करते हो और इस बात का भी ख्याल रखते हो कि मेरा बच्चा इस रास्ते पे ना जाए। कैसा होता है? इसका मतलब आप सष्टांग प्रणाम करते हो, अच्छा तो मानते हो, लेकिन उस अच्छाई को अपने बच्चे के लिए नहीं मानते हो। तो इसका मतलब है कि अच्छा भी किसको कहें तो अच्छाई की भी कोई एक परिभाषा नहीं है। तो ना हमारे पास मानव की परिभाषा है, ना अच्छे मानव की परिभाषा है, ना पति की परिभाषा है, ना पत्नी की परिभाषा है। इन तमाम चीज़ों के बीच में हमको जीना है तो उसके बीच में हमारे में कन्फ्लिक्ट बना रहेगा, झंझट बना रहेगा। तो धीरे से इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, रूटीन में ये शिविर हम 8 दिन का करते थे, फिर सारी व्यस्तताओं को देखते हुए थोड़ा सा इसको छोटा किया गया है, 7 दिन किया गया है। 7 दिन में भी जो 7वां दिन है उसका लंच तक पूरा करना होता है, क्योंकि लोगों को जाना भी होता है। इस तरह से 6.5 दिन बचा। जिस दिन आते हैं उस दिन शुरू होते होते हाफ डे निकल जाता है, तो 5 दिन बचा, 6 दिन बचा। तो 6 दिन, 8 दिन के शिविर का कंटेंट 6 दिन में ले आए, तो इसलिए फिर गति भी बनानी होगी और हम सब लोग को थोड़ा टाइट भी होना होगा। तो जितना भी समय हमारे पास है उसको बेहतर यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि लास्ट में मैं कह दूंगा 2 दिन का कंटेंट छूट गया है, मेरे को तो इतना ही कहना है। मुझको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा आप चलोगे वैसा मैं चलूँगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंटेंट कवर भी हो पाए, और जो बात हम कह रहे हैं कि हाँ कोई हमको एक रास्ता दिखाई दे जाए अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, कि हाँ बहुत आराम से चला जा सकता है। जो कुछ भी कामनाएँ हमारे भीतर रही हैं सब चीज़ को लेके, उस पर कोई प्रैक्टिसेबल रास्ता दिखाई देता है। तो जिंदा रहने की बात हम कर रहे थे, मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। तो जब जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो पशु भी जिंदा रहता है, हम भी जिंदा रहते हैं, आपकी चर्चा में भी आया ही। तो देखें तो क्लियरली परंपरा ने भी उसको पहचाना कि 4 विषय पूर्वक हम जिंदा रहते हैं। तो हम आहार करते हैं, और हम जो पुराने लोग हैं वो भी इस फ्रेम, उनके सामने ये फ्रेम पहले आया है, लेकिन अब बहुत क्लोजली देख सकते हैं कि मैं इसमें कहाँ अपने आप को पाता हूँ। कि अपने गैप्स को पहचानने के लिए भी हम सभी के लिए ये उपयोगी है।
तो चार विषय के रूप में जिंदा रहने को पहचानने की कोशिश की कि हम आहार करते हैं, हम सोते हैं, हम जीने की आशा के साथ होते हैं, वह मतलब जीने की आशा, और हम प्रजनन पूर्वक अपने परिवार परंपरा को बनाए रखते हैं। प्रजनन ऐसा मानव में भी होता है, ऐसा पशुओं में भी होता है। थोड़ा सा और देखें तो पांच इंद्रियां की महिमा भी हमको दिखाई देती है। पांच इंद्रियां जिनको हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में पहचानते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, ये मानव में भी है, पशु में भी है। ठीक हो गया, आगे चलूं? उतना ही लिखें और उतना ही जितना आपके समझने में बाधा ना हो। YouTube पे कई शिविर पड़े हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो नोट्स, हमारी जो पुरानी पढ़ते समय नोट्स बनाने की आदत है, वैसा मत चलें। कुल मिला के कॉपी में आ गए और अपन ऐसे ही रह गए, कॉपी में सब है और कॉपी आप यहीं छोड़ के जाएंगे जाते समय, है ना? पुष्कर वालों के लिए, वो लोग समझ लेंगे हमने अच्छे नोट्स बना दिए हैं। लोग शिविर करके कॉपी यहीं भूल जाते हैं, तो कॉपी पे अपना अपना नाम भी लिख लें, किसी की कहीं छूट जाए तो कोई दूसरा आप तक पहुंचा दे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि नोट्स ना बनाएं, ज़्यादा अपना ध्यान समझने में लगाएं और बोर्ड के साथ चलने में लगाएं। कोई काम की चीज़ आपको लगे तो लिख लें, है ना, ताकि हम साथ साथ चल पाएं। हाँ जी, चलें आगे, चलें आगे। तो बताइए, क्वेश्चन को ठीक से सुनिएगा ताकि हम ठीक से आंसर कर पाएं। चार विषय और पांच इंद्रियां मानव में भी है, पशु में भी है, है, है। तो क्वेश्चन बहुत क्लियरली ये है कि जिंदा रहने के लिए पांच विषय, चार इंद्रियों का प्रयोग जैसा मानव करता है, जैसा पशु करता है। फिर से बोल रहा हूँ, चार विषय, पांच इंद्रियों का प्रयोग जैसा मानव करता है, जैसा पशु करता है, वो एक ही जैसा करता है कि उसमें कुछ अंतर है? नए लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन है। हाँ जी, माइक उठाइए, बोलिए, बोलना है, खड़े हो जाइए, तुरंत माइक आप तक पहुंचेगा। हाँ, पीछे माइक आया। मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मैं दौसा से हूँ। मनुष्य जो है वो चार विषयों के द्वारा इंद्रियों में सुख ढूंढता है, जबकि पशु जो है वो इंद्रियों के द्वारा चार विषयों में अपना सुख, जैसा भी वो कर पाते हैं, भोग पाते हैं, वो करते हैं। ठीक हो गया। तो रूटीन में हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको लगता है कि चार विषय, पांच इंद्रियों को मानव भी इस्तेमाल करता है, पशु भी इस्तेमाल करता है और एक ही जैसा है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। कैसे उल्टा है, फिर से एक बार ध्यान दे लीजिए। तो ये कहा जा रहा है कि पशु क्या करता है, पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। पशु गंध को ज्यादा यूज करता है, पशु पांचों इंद्रियों को यूज करता है ताकि चार विषय पूर्वक जिंदा रह सके। मानव उसके बिल्कुल उल्टा करता है, मानव चार विषय को यूज करता है ताकि पांचों इंद्रियों को यूज करके वो सुखी हो सके। तो क्या फर्क समझ में आया? पशु की जीवन शैली के केंद्र में क्या है? जिंदा रहना। मानव की जीवन शैली के केंद्र में क्या है? सुखी होना, है ना? तो मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम सुबह उठ के पूछते हैं आज नाश्ते में क्या बनेगा, तो हम क्या पूछ रहे होते हैं, आज क्या स्वाद मिलने वाला है। कभी आपने ऐसे कहा कि आज मैं जिंदा रहने के लिए क्या खाऊंगा, ऐसा आप नहीं बोलते। इससे एक बहुत अच्छी बात पे ध्यान जाता है कि मानव इतनी विकसित इकाई है, मानव इतनी विकसित इकाई है कि वो सामान्य जिंदगी में जिंदा रहने के बारे कभी सोचता ही नहीं है, वो सुखी होने के लिए ही सोचता है। किन्हीं विपरीत परिस्थितियों में जब जिंदा रहने पे संकट खड़ा हो जाए,
एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, तब वो अपने जिंदा रहने की चिंता करता है। सामान्य स्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने जिंदा रहने के बारे नहीं सोच रहा है, वो हर घटना से, हर क्षण, हर पल किसी सुख की तलाश में है। कैसा लगता है बात? ये ठीक लगता है? तो इससे एक हमारी क्लैरिटी बनी कि टेक्निकली देखा जाए तो पशु के जिंदा रहने में और हमारे जिंदा रहने में अर्थ है, हमारे जिंदा रहने में अंतर है। ये अंतर क्यों है? ये अंतर क्यों है? क्योंकि मैं ये टॉपिक पूरा करूँगा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं ये टॉपिक पूरा करूँगा और आप में से अपेक्षा करूँगा कि कौन इस टॉपिक को रिपीट करेगा, ठीक है? तो इसलिए मैं कुछ थोड़ी स्पीड से चल पाऊँगा ताकि आप भी थोड़ा ध्यान देंगे और धीरे धीरे। तो देखिए, धरती के सभी मानव को बाई नेचर दो वरदान प्राप्त है। धरती के सभी मानव को बाई नेचर दो वरदान प्राप्त है। एक वरदान है कि मानव के पास कल्पनाशीलता है, दूसरा है कि मानव के पास कर्म स्वतंत्रता है। ये दो चीज ऐसी हैं जो पशु के पास नहीं है, केवल मानव के पास हैं। क्या मतलब? क्या पशु में विचार बिल्कुल नहीं होता है? होता है। पशु में विचार अपने वंश के अनुसार जीने के अर्थ में, जिंदा रहने के अर्थ में होता है, लेकिन पशु में कल्पनाशीलता नहीं होती है। तो कल्पनाशीलता का मतलब है शेर मर जाएगा, घास नहीं खा सकता, गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, है ना? एक पक्षी जैसा घोंसला बनाता है हजारों साल से, वैसा ही आगे भी बनाता रहेगा। वो 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK नहीं करेगा, है ना? इसका मतलब इतना ही हुआ कि किसी भी, कोई भी पशु जिस भी वंश में है वो वैसा ही जीता है, वो ऐसा जीने के लिए बाध्य है, उसको ऐसा पता भी नहीं है। मैं मजबूर हूँ ऐसा भी उसको नहीं लगता है। तो ये सब हमारी कल्पना है कि वो जीने के लिए बाध्य है, लेकिन वो ऐसा जीता है, वो अपने वंश के अनुसार जीता है, फ्लैट लाइन इतनी है। मानव के पास कल्पनाशीलता है, मानव जैसा चाहे वैसा सोच सकता है, वैसा जी सकता है। इसलिए एक मानव देवताओं से बेहतर हो सकता है और पशु से बदतर हो सकता है, है ना? इसलिए सूत्र है, मानव को जितना उन्नता अवकाश है उतना ही अवनता अवकाश है, जितना ऊंचा उठने का अवसर उपलब्ध है उतना ही नीचे गिरने का अवसर भी उपलब्ध है। ये कल्पनाशीलता का मतलब है। क्लियर हो गया? आगे चलें। तो आगे चलें तो इस कल्पनाशीलता के कारण ही एक दूसरी चीज और मानव में निकल के आई। कल्पनाशीलता के कारण एक चीज मानव में सुख की तलाश है, दूसरी चीज मानव में अपनी पहचान और सम्मान की तलाश है। यह भी उसकी मौलिक तलाश है। हर मानव में उसकी पहचान की तलाश, उसके सम्मान की तलाश उसकी मौलिक तलाश है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसा हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन आधारों को देखें तो हम चार चीज़ें लिखते हैं कि कभी हम अपने रूप से अपनी पहचान को पाने की तलाश में हैं। मैं कैसा दिखता हूँ, कभी मैं रूप से अपनी पहचान को पाने की कोशिश करता हूँ, कभी बल से पाने की कोशिश करता हूँ, कभी धन से पाने की कोशिश, और कभी पद से। तो रूप, बल, धन और पद से हम अपनी पहचान और सम्मान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। समाज में कितने प्रतिशत लोग हैं, इंक्लूडिंग सभा में बैठे हम सभी, जो अपने सम्मान और पहचान को, ये जितना बड़ा साइज स्क्रीन पे दिखाया है, पीछे वालों को दिख रहा है, विजिबल है, पढ़ने में आता है, बढ़िया। तो हम अपनी पहचान और सम्मान के लिए समाज में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कभी उसको रूप से जोड़ के देखते हैं, और रूप मतलब मेरी शक्ल, फिर उसमें मेरा शरीर भी शामिल है,
और शरीर ही शामिल है कि मेरा मोबाइल भी शामिल है, तो मेरा मोबाइल कैसा दिखता है और मेरी गाड़ी कैसी दिखती है और मेरी साड़ी कैसी दिखती है और मेरा घर कैसा दिखता है और भी कहीं तक आप जा ही सकते हैं। तो इससे क्लैरिटी बनी कि रूप की तलाश, रूप हमारे अपने मानव में हमारी पहचान के रूप में हमने उसको पहचाना हुआ है, धन कितना है और पद कितना है ये भी मेरे पहचान और सम्मान के रूप में हमने उसको पहचाना हुआ है। कितने प्रतिशत लोगों ने, कितने प्रतिशत लोगों ने, पीछे वालों कितने प्रतिशत लोगों ने, ठीक है तो मैं इधर से डाटा दे देता हूं, कितने लोग सहमत हैं कि लगभग 99% लोग हाथ उठाइए। तो लगभग 99% लोग कम और ज्यादा इस रूप में अपने सम्मान और पहचान को पहचानते हैं कि हमारा रूप कैसा है, हमारा शरीर कैसा है और हमारा धन कैसा है और पद कैसा है। मैं बहुत सारी बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। गांव-गांव में जिम खुल गए जहां श्रम करने के लिए पहले से ही बहुत खेत में नहीं जाएंगे लेकिन गाँव में जिम खुल गया है। तो सारा ये जिम का खुलना ये स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत जागरूक हो गए हैं या कुछ और कारण है, बताओ भाई जिम वालों है। तो पहले इतना ही था मैं कैसा दिखता हूं, अब ये यहां तक भी आ गया, सब नीचे तक आ गया, मैं कैसा दिखता हूं, मेरा शरीर कैसा दिखता है। तो उसमें दिखने वाला भाग ज्यादा है, स्वस्थ रहने वाला भाग कितना भी हो, बीच बीच में तमाम आता था कि ज्यादा प्रोटीन खाने से वो कैंसर, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, वो तो प्रोटीन खिला खिला के वो मोटा मोटा दिखता है सब, जो भी कारण हो। तो इससे पता चला कि ऐसा हम प्रयासरत हैं। अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या परेशानी है। यदि मैं आपसे पूछूं, इंडिविजुअली हम सभी सोचें और माइक लेके फटाफट बोलें कि जब मैं रूप बल धन और पद से अपने सम्मान और पहचान की तलाश के लिए काम करता हूं तो उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, कहाँ उसमें गैप्स हैं, कहाँ उसमें परेशानी आती है, कहाँ कहाँ परेशानी आती है। माइक फटाफट बोले, हाँ जी माइक मूव करें। जिससे पहले आप रूप पे या बिलीव कर ले कि भैया कहीं समझो कहीं हम लोग कोई फंक्शन में जा रहे हैं और तैयार होते हैं जैसा, हाँ, और नोबडी नोटिसेस इट, हाँ, तो इंसान को दुखी होता है, हाँ, तो इट्स अ नेगेटिव थिंग। इट्स लाइक वैसी बल है जैसे भाई कोई इंसान अपने आप को बड़ा ताकतवर समझने लगता है और वो कोई जो कमजोर लोग हैं उन पर अपना हावीपन दिखाता है, तो समवेयर ही एम्पावर्स ज्यादा पावर दिखा के उसको नीचा दिखाना चाहता है और अपने आप को ऊंचा कर देना चाहता है। धन में भी वैसी है, गरीब को हरदम यूज किया जाता है और अमीर उसको, और पता नहीं कंट्री का सिचुएशन में ऐसा हो गया कि रईस और रईस होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। और रईस रईस हमेशा है कि किसी के सामने वो गरीब होता है, भगवान के सामने तो हरदम कटोरा लेके खड़ा होता है, भगवान के सामने नहीं, पड़ोसी भी ऐसा मिल ही जाएगा जो उससे भी रईस है तो उसके सामने वो गरीब होता है। हाँ जी, तो कुछ बातें आपने कही, यदि बिल्कुल पिन पॉइंटेडली कहा जाए तो आपने क्या कहने की कोशिश की, एक तो ये कहने का कोशिश किया कि ये सब्जेक्टिव है, जिस चीज को मैं बहुत अच्छा मान रहा हूं मेरा बेटा या मेरी पत्नी कह रही है ये फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं, और मैं उसको बहुत ऐसा मानता हूं कि इसके बिना चलेगा नहीं, तो सब्जेक्टिव है, किसी एक को अच्छा लगेगा लेकिन दूसरे को अच्छा लगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसकी वजह से जो अव्यवस्था हो रही है वो अपनी जगह है जो आपने कहा, और कुछ जी। माइक, मेरा नाम विष्णु शर्मा है, मैं दौसा से हूँ। पहचान और सम्मान जो हम रूप बल धन और पद से पाना चाहते हैं ये अस्थाई है, अस्थाई है, क्षणिक है, और रूप जो है वो हमेशा नहीं रहेगा, धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ेगी उसके साथ बुढ़ापा आएगा, चेहरे पर झुर्रियाँ आएंगी, बाल सफ़ेद होंगे, बल जो है वो भी क्षीण होगा, धन भी कम ज़्यादा हो सकता है, पद आज हमारे पास है कल हम रिटायर हो जाएंगे, आज जो लोग हमें सलाम ठोकते हैं कल वो हमें कुछ भी नहीं पूछेंगे, और इस तरह से ये चीज़ जो है वो नेगेटिव सेंस देती है। और जो भी लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं इन चारों चीज़ों की वजह से, हो सकता है कि वो हमारे मुंह पर हमारी प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो हमारी बुराई करते हैं, तो ये चीज़ें अस्थाई है, क्षणिक है। बढ़िया, हाँ, मैं शौनक पाठक अहमदाबाद आनंद निकेतन स्कूल सिलस से जी।
ये जो अभी इन्होंने बताया कि रूप बल धन पद वो टेम्पररी होते हैं, लेकिन उसमें से हम परमानेंट सुख पाना चाहते हैं, इसलिए फिर हम दुखी होते हैं कि भाई वो हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन सुख हमें निरंतर चाहिए। देखिए, इस चर्चा का ये मतलब नहीं है कि रूप बल धन पद कोई खराब चीज है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, है ना। लेकिन किसी चीज की हैसियत कितनी है और उससे हमने क्या समझने की कोशिश की है, वो गैप को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो रूप बल धन पद कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन उसका क्या मतलब है और क्या नहीं है, है ना, उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बढ़िया, और माइक पीछे। जी मैं गौरव बुंदेल अजमेर से। सर, रूप बल धन की जो बात आती है तो उसमें जैसे जो मैंने मेरी फैमिली में नोटिस किया है कि ये बहुत अच्छा है, हाँ, कि मैंने मेरे जो चाचा जी हैं वो जब लड़कियां तराशते थे नौकरी बाद तो उनको पतली लड़की पसंद आती थी, प्रेगनेंसी बाद जब वो लड़की चाची मोटी हो गई है तो वो पतली भी अब उनको मोटी अच्छी लगने लगी है। तो यही है कि जो फिक पे परमानेंट था वो टेम्प्ररी में भी कन्वर्ट हो रहा है और टेम्प्ररी परमानेंट में भी कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा, हम देखते हैं कि कई समाजों के अंदर जो है कि देखे कि कितनी उसकी प्रॉपर्टी है, कितना उसका खेत है, खलिहान है, या फिर वो कितना कमा सकता है, इकलौता है या कुछ नहीं है, बाद में वो सब जो है वो क्षणिक हो जाता है और वो भी उसको सही लगने पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूरी बन जाती है। धन्यवाद। बढ़िया, और कोई शेयरिंग? हेलो, कहाँ हो? मेरा नाम प्रिया है और मैं सीकर से हूँ। सीकर से तो हो, पर हो कहाँ? सर इस साइड। अच्छा सर, अजीब बात ये है कि हम जानते हैं कि सोसाइटी में रहने के लिए हमारे पास ये चारों चीज़ें होना ज़रूरी है, तो इंसान पहले इसके लिए स्ट्रगल करता है, जब ये अचीव कर लेता है तो इसको स्टेबल बनाए रखने के लिए भी स्ट्रगल करता है, उसके लाइफ में फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, तो ये होते हुए भी टेंशन में है और ना होते हुए भी इंसान टेंशन में है। ये सर, ये गैप मुझे ऐसा लगता है। एक्सपीरियंस काफ़ी हो गए सर, बेसिकली आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई। बहुत बढ़िया, गुड, बहुत बढ़िया बोला, है ना। कुल मिला के इसका नाम ही टेंशन है। मैं टेंशन पाना चाहता हूँ। आनंद निकेतन, इट इज़ अबाउट सेक्रीफाइस। मतलब हमारे साथ होता क्या है कि हमें पता होता है कि कुछ कुछ चाहिए होता है, कि जीने के लिए रूप चाहिए होता है, बल चाहिए होता है, धन सब कुछ चाहिए होता है कुछ अमाउंट में। अब दिक्कत क्या होती है, हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है कि आप बल के पीछे भागोगे तो कुछ दूसरी चीज़ आपको छूट जाएगी, पद के पीछे भागोगे तो दूसरी चीज़ छूट जाएगी। सो इन शॉर्ट, आपको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब ये सेक्रीफाइस आप जब करते हो, आपको ये नहीं मिलता है ना, तो ये बाद में दुख रह जाता है। सो सुख तो होता है आपको जो आपको मिलता है, लेकिन जो नहीं मिला सेक्रीफाइस किया उसका दुख रह जाता है। बढ़िया, इस पे होना चाहिए कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दिस ऑल द मैटर। ठीक है, अभी तो इंबैलेंस कहां-कहां उसको ढूंढ रहे हैं, बैलेंस कैसे होगा उसको बाद में चर्चा करेंगे। हाँ सर, मेरा नाम प्रगेश यादव है, कोटा से हूँ। आपने बताया कि रूप धन बल पद और हमें जो दो वरदान प्राप्त है, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, तो रूप बल धन पद दोनों कल्पनाशीलता की श्रेणी में आते हैं, और कल्पनाशीलता में आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को कमी आंकता है। मतलब मैं अपनी कल्पना में हमेशा अपने आप को कमी आंकूंगा और ये चाहूंगा कि मुझे और ज्यादा से ज्यादा मिलता जाए। मैं के एस यादव, जयपुर से। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पे एक जगह बहुत सही कहा है, द पाथ ऑफ ग्लोरी पंप एंड पावर लीड्स बट टू द ग्रेव। हम जिंदगी भर वो कहते ना कि आईना वो ढूंढते रहे और हैं, धूल आईने में थी और हम जो है आईना साफ, धूल चेहरे पे थी और हम गालिब ने कहा था धूल चेहरे पे थी आईना साफ करते थे। ये एक मिरेज है, मिरग मरीची का, कि हमें सुख मिलेगा इन चीज़ों से, लेकिन ये चीज़ें हमें सुख नहीं देती, ये मकान दीवारें हमें सुख नहीं देती, अगर उसके अंदर जो है हमारे मैं अपनी भाषा में बोलूँगा हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन। पुरानी कहावत थी, ऐसा सोना क्या जो कान को खाटे। तो ये सारी देखिए, एक और बात बोलूँगा कि इस डिस्कशन को कैसे और कॉन्क्रेटाइज किया जाए, तो जब आप बोलें तो आप क्या शिविर लेने की जगह में आ जाते हैं। ओके, थैंक यू, है ना। तो मेरे को लगता है कि आप आपकी ज़िंदगी से बोलो, आपने रूप बल धन पद को कैसे जिया वो बोलो, तय कर लो कि आपको भी श्रोता की तरफ से बोलना है कि आपको शिविर कंडक्ट करना है, ताकि वो शेयरिंग निकल के आए कि हम कैसे मिलके उसको झेल रहे हैं या क्या उसके पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव। इतनी सारी चर्चा के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी कमियां सामने आ गई हैं, तो एक बार इसको थोड़ा पॉजिटिव भी देखने की ज़रूरत है।
पहले इसको जितना आपने कहा उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात तो ये क्लैरिटी बनी कि हम पहचान और सम्मान कैसा चाहते हैं, स्थाई चाहते हैं कि अस्थाई चाहते हैं। स्थाई चाहते हैं, जिन चीज़ों से चाहते हैं वो स्थाई है कि परिवर्तनशील है, वो सभी परिवर्तनशील है। तो अननोइंगली हम क्या कोशिश कर रहे हैं, परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने का असफल प्रयास, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे बाल सफेद होते थे तो हमने काले करने शुरू कर दिए, आपको तो पता ही है कि सफेद है, है ना, और एक समय के बाद वो चेहरे में भी झुर्रियां आएंगी तो बोले हम प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। कितना भी प्लास्टिक सर्जरी कराओ उस चेहरे को आप छुपा नहीं सकते हो। तो इससे एक बात पे हमारा ध्यान जाता है कि ये जितना भी फिजिकल केमिकल क्रिएशन है, भौतिक रासायनिक रचना जितनी भी है, परिवर्तनशीलता ही इसका नियम है, और उस नियम को स्वीकार लिया जाए तो बहुत आराम की ज़िंदगी है, उसके साथ में विरोध किया जाए तो अनावश्यक परेशानी की स्थिति है। तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तनशील है ही वो परिवर्तनशील रहेगा ही, उससे हम सम्मान को जोड़ लिए, स्थायित्व पाने को जोड़ लिए, वो संभव नहीं है, इसलिए वो बदलता ही रहेगा। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें तुलना होती है, कंपैरिजन होता है। एक छोटी घटना शेयर करता हूं, उस घटना से आपको भी अपनी जिंदगी की बहुत सारी घटनाएं याद आएंगी। ये पूरा पूरा वर्कशॉप केवल केवल स्वनिरीक्षण का वर्कशॉप है। हर घटना में, हर प्रस्ताव में मैं देखूं कि मैं इसमें से कैसे गुजरा हूं। अभी आप कोई भी चीज़ पे जब बोलते हैं तो सॉल्यूशन बताने की कोशिश ना करें, क्योंकि आगे चल के पहले प्रॉब्लम को हम पोस्टुलेट कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, फिर आगे को आंसर पर बात करेंगे। तो दिल्ली में ही हमारे मित्र मौजूद हैं जो दिल्ली के एक बढ़िया प्रिंसिपल हैं, और ये लगभग अब हर शिविर में होने लगा है कि किसी भी सामाजिक शिविर में दिल्ली के शिक्षकों में से किसी आगे अधिकारियों में से कोई एक व्यक्ति पहुंच जाता है। तो दिल्ली के शिविरों में इस पे चर्चा एक बार चल रही थी, तो एक प्रोफेसर साहब ने शेयर किया, असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, तो उन्होंने शेयर किया अपनी ज़िंदगी की घटना। उन्होंने कहा कि मुझको 15-20 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, तो एक बार एक शिष्य का फोन आया। शिष्य कॉलेज से, स्कूल से निकल के, स्कूल कॉलेज से निकल के प्रॉपर्टीज़ के बिजनेस में चला गया, उसने बहुत मोटा पैसा कमा लिया। अब उसको लगा कि कोई बड़ी वाली गाड़ी लेना है, तो उसने एक गाड़ी लेने का निर्णय लिया। तो उस समय उसको अपने गुरुजी याद आए, तो उनको फ़ोन करके बोला, सर पहली गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ और आपके बिना लाऊँगा तो क्या उसमें मज़ा आएगा, आपको साथ चलना होगा और उसकी चाबी मैं आपके हाथ से लूँगा। गुरुजी कैसा फील कर रहे होंगे, पूछो नहीं। तो गुरुजी को भी खुशी लगी कि भाई शिष्य ने याद किया और ऐसे मौके पे याद किया। तो दोनों साथ चले गए, शोरूम से गाड़ी निकाली और एक बड़ी वाली गाड़ी लेके वहाँ से निकले। तो रास्ते में गुरुजी भी बहुत खुश थे, शिष्य भी बहुत खुश था। चर्चा चल रही थी, चर्चा चलते चलते शिष्य पूछ बैठा गुरु से, सर आपके पास कौन सी गाड़ी है। गुरुजी का तो जैसे वो फाइटर पायलट में होता है ना, फाइटर पायलट एक्सीडेंट के समय में इजेक्ट कर जाता है, वो इजेक्शन का बटन दबा सकता है, उसकी सीट नीचे निकल जाती है और पैराशूट से वो लैंड कर जाता है, एयरक्राफ्ट क्रैश भी हो गया तो उसकी जान बच जाती है। तो गुरुजी का तो जैसे सीट ही इजेक्ट हो गई हो। तो गुरुजी बोले, नहीं नहीं है, अच्छी गाड़ी है। वो चर्चा तो इधर उधर हो गई। अब शिष्य कुछ और सुनाता रहा, गुरुजी सोचते रहे, मेरी PhD तो मेरे को ऐसी गाड़ी नहीं दिला सकती, और ये पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं है, और हमारी जॉब भी किसी काम की नहीं है, और मेरा जीवन भी बेकार ही है। करते करते घर आ गया, शिष्य छोड़ के चला गया, जाते हुए पैर भी छुआ। तो पूरी इस जर्नी में शिष्य आह्लादित था अपनी सफलता से, और उसने गुरु को सम्मान देने में कोई कमी नहीं की, लेकिन गुरु जी तो निपट गए,
और ऐसे निपटे कि उसके बाद कई महीने उदासी रही। ये घटना उन्होंने ऐसी किसी वक्त, ऐसी घटनाओं को वर्कशॉप में शेयर करेंगे तो मजा आएगा। हम किताबी और बहुत सारे इधर उधर के भाषा को उठा के बोलेंगे उससे कोई फायदा नहीं है। तो हर प्रस्ताव पे अपनी जिंदगी की कोई घटना लेके आए तो ये शिविर बहुत लाइव होगा और हम सबके समझने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो उस पूरी घटना में क्या हुआ, शिष्य ने गुरुजी का अपमान किया, अपमान किया नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है गुरुजी कत्लेआम हो गए हैं। तो ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है, हाथ उठाइए, होता है कभी नहीं होता है। सामने वाले को तो, सामने वाले ने तो इज्जत ही दी थी, लेकिन इस बीच में भी कोई दुर्घटना घट गई, किसी ने मुंह के मुंह पे कह दिया, सुना दिया, छोटा आपको सिद्ध कर दिया, ये तो अलग घटना है। बिना किसी के कुछ कहे ही हमारे भीतर बहुत कुछ गुजर जाता है, हम बहुत कुछ से गुजर जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि इन सब चीज़ों में कंपैरिजन होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रूप बल धन पद में कंपैरिजन क्यों होता है? कौन बोलेगा, रूप बल धन पद में कंपैरिजन क्यों होता है? नमस्ते, मेरा नाम पुनीचा है, मैं मुंबई से हूँ। सर मुझे लगता है क्योंकि कोई भी सिचुएशन में आपसे एक लेवल ऊपर वाला आदमी होना ही होना है। अगर हम रूप की बात करें तो शायद कोई और मेरे से खूबसूरत होने ही वाला है, बल की बात करें तो कोई और मेरे से ज़्यादा शक्तिशाली होने ही वाला है, और धन पद के लिए भी सेम। तो हमेशा हमें कमी महसूस होती रहेगी कि यार वो मेरे से, मैं फर्स्ट नहीं हूँ मैं। तो ऐसा क्यों है सर? हम खुद में संतुष्ट नहीं है उन चीज़ों से, वो मिल नहीं पा रहे जो चाहिए। वो संतुष्ट क्यों नहीं है? सर आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से होता है, मतलब जो चीज मेरे पास है मुझे लगता है कभी कभी वो चीज कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है, ये अच्छा भाषा प्रयोग किया, कंप्लीट नहीं है से क्या सेंस है? जैसे एक छोटी सी घटना थी, मैं खुद गायत्री परिवार से हूँ, तो भीलवाड़ा के आगे कहीं हम जा रहे थे तो कोई चौक चेक पोस्ट थी, तो मेरे साथ में कोई वहीं ये चित्तौड़ के कोई थे लोकल, जो मतलब होते ना नेतागिरी टाइप के कोई, तो चेक पोस्ट में हमने सोचा कि उनसे बोला मैंने, मतलब भाई साहब साथ में, तो उन्होंने बोला कि यार एक काम करो जल्दी से इनसे बात करके जल्दी करो ताकि अपन यहाँ पर टाइम ज़्यादा नहीं लगे। तो वो बाहर उतरे और बाहर उतर के भी उन्होंने ये बोला कि भाई साहब थोड़ा जल्दी में, और गायत्री परिवार के किसी कार्यक्रम में हम लोग आगे जा रहे हैं। मेरे माइंड में ये था कि अगर मैं गायत्री परिवार का नाम लूँगा तो शायद वो माने नहीं माने, और इन नेता लोगों की बात मान करके वो हमें आगे छोड़ दे। तो मुझे अपने आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कोई कमी लगी, इस वजह से मतलब वो काम तब भी उसी कारण से हुआ, क्योंकि उसने जो था वही बोला कि सब गायत्री परिवार से हैं और किसी कारण से आगे जा रहे हैं, तो उसने जल्दी जाने दिया फिर हमें। जी हाँ जी, प्रणाम सोम भैया। हमने अपने पैरामीटर बचपन से ही इनको बनाया हुआ है, रूप धन बल और पद को। हमने अपने आप को जांचने के जो पैरामीटर्स जो हैं, हमारी सोसाइटी ने भी और हमने खुद ने भी, इन्हीं को अपना पैरामीटर। इनमें कंपैरिजन क्यों होता है कि किसके पास ज़्यादा है, किसने ज़्यादा, ये कंपैरिजन क्यों होता है? कोई पैरामीटर जो हमने सेट किए हुए ना उसके लिए नहीं। हाँ जी, पीछे एक माइक। हाँ मैं बोलूँ भैया? ओम जी, मैं अजय भारतीय हरियाणा। थोड़ा आगे आ जाइए। जैसा कि आपने पहले बताया, जिंदा रहना और उस तालिका में बताया है, जब ये चीज़ अस्थाई हैं तो इनका एक मानक, एक परिमाण जो है इनका, एक स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं है तो तुलना होती है, यदि स्थिर है। स्थिर है का क्या मतलब है? हाँ, स्थिर का मतलब ये होता है कि जैसे दसवीं पास है, यदि वही एक पैरामीटर है तो सब दसवीं पास हैं, सब बराबर हो गए, लेकिन कितना अर्जन करना है वो अप एंड डाउन वो होता है, तो कंपैरिजन होना स्वाभाविक है। दूसरी चीज आपने पहला तुलना का ही है, तो उसका आंसर तो यही हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो आगे चलेंगे। हाँ, जैसा उन्होंने कहा, थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि अब हम रूप बल धन पद की बात करते हैं तो मतलब कितना गोरा होना है वो हमें नहीं पता है, कितना पैसा होना चाहिए वो हमें नहीं पता है, हमारे हाथ में भी नहीं, हमारे हाथ। बढ़िया, बैठिए 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 बैठिए, मेरे को लगता है बात पूरी हो गई।
आगे चलूं? सब ने कहा कि ये आज के समाज की जरूरत है कि आपका सम्मान आप दूसरों से ढूंढते हो। तो मैं पैसा ज़्यादा क्यों कमाना चाहता हूँ? क्योंकि मेरा मेरे मित्रों के उनके ऊपर वो मेरा सम्मान करें। तो ये जो सिस्टम है सारा, ये हम अपनी सम्मान खुशी दूसरों के, वो हमको एक तरह से क्या करते हैं, दे सर्टिफाई अस कि आपके पास कितना ज़्यादा है उसी हिसाब से। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि मुझको स्व मूल्यांकन करना नहीं आता, सेल्फ असेसमेंट करना नहीं आता, क्योंकि मुझको मानव की समझ नहीं है, क्योंकि मुझको सम्मान की समझ नहीं है, इसलिए ये हालत बिल्कुल एकदम सही बात है। बिल्कुल, मैं इसको आगे लेके जाता हूँ। हाँ जी, माइक दीजिए फटाफट। मैं एनएल बापना जयपुर से हूँ। अहंकार के कारण हम जो है तुलना करते हैं आप। चलिए अहंकार, ठीक है। मेरे को लगता है कि देखिए, अब समझना पड़ेगा कि अहंकार क्या चीज है। तो अभी ये समझना पड़ेगा कि हम चर्चा इस पे कर रहे हैं कि तुलना क्यों होती, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि रूप का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। जैसे विश्व में किस प्रकार के चेहरे को सबसे सुंदर माना जाएगा, ऐसा कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ में कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं होता है, जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मैथमेटिक्स की किसी एक क्लास में कितने बच्चों के 100 out of 100 आ सकते हैं? कितने बच्चों के आ सकते हैं? सभी के आ सकते हैं। सभी के आ सकते हैं क्योंकि मापदंड एब्सोल्यूट है, 100 out of 100। तो 100 out of 100 किसी से कंपैरेटिव नहीं है, 100 out of 100 किसी के कंपैरिजन में नहीं है। जितने क्वेश्चन आए हैं सबका आंसर देना है, और सबका आंसर ठीक है तो इसका मतलब 100 out of 100 है। तो जब कोई चीज़ का मापदंड एब्सोल्यूट होता है तो मेरे को कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे माइंडसेट में मानव के सम्मान को लेके, मानव की पहचान को लेके हमारे पास कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। एक लोहे की क्वालिटी क्या होगी, इसका एब्सोल्यूट मापदंड हमारे पास है। मेरे को लगता है कि मैं बढ़िया दूसरा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। जैसे शिक्षा ने एक बढ़िया काम कर लिया, कोई यूपी बोर्ड से आए, दिल्ली बोर्ड से आए, एमपी बोर्ड से आए, छत्तीसगढ़ बोर्ड से आए या आईबी बोर्ड से आए, यदि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो क्या करना होगा, जेईई देना होगा। मेडिकल साइंस में लेना है तो क्या करना पड़ेगा, नीट देना पड़ेगा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस बोर्ड से आए हो, अब एग्जाम क्वालिफाई करो, एडमिशन ले लो। लेकिन मानव की क्वालिटी का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है, किसको अच्छा मानव कहा जाएगा। मेरे घर में मैं अपने आप को अच्छा आदमी मानता हूँ, मेरा बेटा मेरे को हो सकता है अच्छा आदमी नहीं मानता हो, मेरी पत्नी हो सकता है मेरे को अच्छा आदमी नहीं मानती हो, और वो अपने आप को अच्छा मानती है और मैं नहीं मानता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक किसी चीज़ का कोई मापदंड ही हमने तय नहीं किया है, मापदंड को हम पहचान नहीं पाए हैं, तो अच्छाई का भी क्या मापदंड होगा और मानव की पहचान का भी क्या मापदंड होगा। जब मानव की पहचान का कोई मापदंड नहीं है, और मैं तो अपने आप को अच्छा बताना चाहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं बताना चाहता हूँ, तो आओ चुगली चुगली खेलें। खेलते हो कि नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, इसकी एप्लीकेशन कोई नहीं बनाया अभी तक कि लोग मिल के ग्रुप में ऑनलाइन भी चुगली चुगली खेल सकें। तो चुगली चुगली खेलने का क्या मतलब होता है? चुगली चुगली खेलने का मतलब है कि दो लोग मिलके किसी तीसरे व्यक्ति के बारे चर्चा करते हैं कि हमने तो उसको बहुत समझाया था और वो तो ऐसा ही है और वो तो सुना नहीं। कुल मिला के दो लोग एक दूसरे को बताना चाहते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे हो, प्रॉब्लम तीसरे में है। तो हम दोनों मिलके अपने आप को अच्छा बताना चाहते हैं, इसके लिए किसी को बलि का बकरा बनाना होता है उसके लिए हम। और नहीं, एक दूसरी बात भी है बहुत साइकोलॉजिकल, कि हम दो लोग मिलके बात करना चाहते हैं। ये जो शेयरिंग का मजा है, मैं कुछ कहता हूँ जो आपको स्वीकार हो जाता है, आप अप्रिशिएट करते हो, आप कुछ कहते हो मैं सहमत हो जाता हूँ, मैं कोई बात कहता हूँ दूसरा सुन के उससे उसको सहमत हो जाता है, अप्रिशिएट करता है, तो मेरे को लगता है कि मैं हूँ। और मैं कुछ कहता हूँ सामने वाला उसको नकार देता है, तो मेरे को लगता है मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो मेरा जो वजूद है, मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो होना है, वो इस पर निर्भर करता है कि कितने लोग मेरी बात मानते हैं। तो मैं इसलिए वो बात करना चाहता हूँ जिससे आप जिसमें आप मेरे पाले में आ जाओ, आप मुझसे सहमत हो सको। तो ऐसी कोई बातें हमारे पास पॉजिटिव हैं नहीं करने के लिए, तो घूम फिर के हमारे पास चुगली चुगली ही आता है कि हम किसी एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसके बारे में आप भी नेगेटिव मानते हैं, और चोर चोर मौसेरे भाई।
तो हम लोग मौसेरे भाई हो जाते हैं और उसमें खुशी मनाते हैं। इसका पॉजिटिव मतलब इतना ही है कि हर मानव अपने में किसी अच्छाई को पहचानना चाहता है, मैं अच्छा हूँ इस बात को अपने में पहचानना चाहता है, दूसरे से इस बात की स्वीकार्यता चाहता है कि मैं अच्छा हूँ। और मापदंड हमारे पास है नहीं, तो मापदंड फिर क्या होंगे? मापदंड कुल मिला के शरीरी पकड़ में आता है। बात करने की जगह में हम बात करते ही हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन है, पकड़ते समय आत्मा पकड़ में आती है कि शरीर पकड़ में आता है? पकड़ते समय तो शरीर ही पकड़ में आता है, तो आत्मा की तो कोई समझ हमारी है नहीं, है ना, शरीर ही पकड़ में आता है। और शरीर गोरा होता है, काला होता है, मेल होता है, फीमेल होता है ना, और उसकी कुछ आदतें होती हैं, तो इस तरह से चल के। तो इसका मतलब है कि रूप का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है। भारत में ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नज़र वाले, अब ये ट्रक अफ्रीका में जा रहा होगा तो क्या लिखेंगे? अफ्रीका में जा रहा होगा ये ट्रक तो उसके पीछे क्या लिखेंगे? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह गोरा। अब यही लिखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ तो सारे काले हैं, है ना। इसका मतलब है जब किसी चीज़ का कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं होता है, कोई पूर्ण मापक उसका नहीं होता है, तो हमको कंपैरेटिव स्टेट में ही जाना पड़ेगा। तो रूप का भी कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, शरीर का भी नहीं है, धन का भी नहीं है, पद का भी नहीं है, इन चारों चीज़ों में कोई एब्सोल्यूट मापदंड है ही नहीं। इसलिए हमको कंपैरिजन में जाके ही बताना होता है कि मैं दूसरे से अच्छा हूँ क्योंकि दूसरा मुझसे कम है। इसलिए दूसरे को कम साबित करना मेरी ज़रूरत बन जाता है, क्योंकि दूसरा ज़्यादा साबित हो जाता है तो मेरे अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो जाता है। इसलिए दूसरे के ज़्यादा मार्क्स आ गए, नकल करके आए होंगे, सेटिंग है इसकी, क्योंकि ये स्वीकार करना कि उसके पढ़ के आ गए होंगे तो मेरे ऊपर हमला है, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ता हूँ, है ना। चार लोग कोई भी जब भी कोई बुरा काम करना चाहते हैं या कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, उसमें भी उसको जनबल की ज़रूरत होती है। तो चार लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं तो अब वो इतना बुरा काम नहीं लगता है, चार लोग बैठ के कोई और चुगली खेलते हैं तो वो इतना बुरा काम नहीं लगता है। इसका मतलब है कि गलती को जस्टिफाई करने के लिए हमको संख्या बल की ज़रूरत होती है। ज़्यादा लोग किसी काम को करते हैं तो वो पॉजिटिवली जस्टिफाई होना शुरू हो जाता है। मैं ही थोड़ी करता हूँ, सभी ऐसे ही करते हैं। बच्चे घर में क्या बोलते हैं? तुमको मेरे दोस्तों का पता चल जाएगा ना क्या क्या करते हैं, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे से, तो मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ जितना बुरा तुम मान रहे हो, और ये उतनी बड़ी कोई गलती नहीं है जितनी बड़ी तुम बोल रहे हो। ये सब तो सभी करते हैं आजकल, कभी कभी तो गांजा वांजा सभी लेते हैं, तो उसमें कोई खास बात नहीं है। तो इससे एक हमारी क्लैरिटी बनी कि इसकी तुलना होगी, क्योंकि इसमें कोई एब्सोल्यूट मापदंड नहीं है, इसमें कोई पूर्ण वैल्यू नहीं है, क्या लिखूं, इसमें कोई पूर्ण मूल्य नहीं है, इसको कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि यह सब्जेक्टिव है, किसी जो किसी एक को अच्छा लगेगा और जो मुझी को कल अच्छा लगेगा आज मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्टिव है। इसका मतलब है और क्या, और सब कुछ मेरे हाथ में भी नहीं है। अब मेरी हाइट, ये तो शरीर का तो बहुत लफड़ा है, हम रूप पे बहुत इतरा रहे कि मेरा रूप ऐसा है। अरे तुम्हारा रूप वैसे ही है जैसी तुम्हारी फैक्ट्री थी, फिर माँ बाप जैसे थे वैसा रूप है, इसमें क्या खास बात है, फैक्ट्री से ऐसा मॉडल आया है वैसे ही है। अब मैं 6 फुट का हूँ, मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, 5 फुट का होता तो इसमें भी कोई योगदान नहीं है, नाक ऐसी है तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, जैसे माँ बाप थे वैसी है। शकल और शरीर का हमारा कोई योगदान नहीं है, और हमारी ज़िंदगी में शकल और शरीर का कितना बड़ा प्रभाव है इससे ये सिद्ध होता है। एड्रेस गलत है कि सही है? एड्रेस गलत है। तो इन सारी चीज़ों को देखने जाएंगे तो हमारी ये क्लैरिटी बनती है कि मेरे हाथ में भी नहीं है। तो इससे समझ में आया कि जितना भी सारा कन्फ्लिक्ट है, और इसमें एक और बड़ा कन्फ्लिक्ट है जो फाइनली कह के अभी की बात को पूरा करेंगे। 5वां कन्फ्लिक्ट है कि बेसिकली मैं जीना चाहता हूँ। जितना रूप बल धन पद में सफल होता हूँ उतना अहंकार बढ़ता है, वो सही अर्थों में अहंकार है कि खुशी है? देखो अहंकार और खुशी में क्या फ़र्क है। कोई ड्रेस मुझको अच्छा लगता है, ये वाइट कलर मुझको अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना है, पर इस ड्रेस में मैं दूसरों से अच्छा लगता हूँ, अब ये अहंकार है। तो जब भी कोई चीज़ कंपैरेटिव हो जाती है वो अहंकार हो जाता है। मैं कार बहुत अच्छी चलाता हूँ और मैं सबसे अच्छी चलाता हूँ, अब क्या हो गया, अब अहंकार हो गया। तो मैं कार अच्छी चलाता हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन मैं सबसे अच्छे चलाता हूँ या मैं उससे अच्छे चलाता हूँ, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब भी हम रूप बल धन पद से अपनी पहचान बनाने की तरफ जाते हैं तो वो कंपैरिजन ही होगा। तो रूप बल धन पद से जो पहचान बनेगी वो अपने आप में अहंकार की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी? अहंकार जिंदगी के नज़दीक ले जाएगा कि दूर ले जाएगा? बोलते नहीं हो, दूर लेके जाएगा। तो बेसिकली यदि कहा जाए तो रूप बल धन पद के आधार पर जो हमारी पहचान है, ये जो हमारी पहचान है, ये जो फिजिकल लेवल पे हमारी पहचान है, ये जीने से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जीना कब होगा? जब मैं जिंदगी के पास हूँ कि जिंदगी से दूर हूँ? तो अहंकार के साथ जीना होगा कि झेलना झिलाना होगा? अहंकार के साथ जीना होगा। इसलिए अन्यथा मत लेना, कोई सरकारी जॉब में हो, सरकारी लोगों को झेलना जो पद पे हैं उनको झेलना बहुत मुश्किल हो जाता। वो शिविरों में इसलिए मैं तो बहुत सरकारी शिविर करने के मूड में नहीं रहता हूँ, क्योंकि जब वो सरकारी शिविर के रूप में आके बैठते हैं तो उनको अपना अहंकार को डाइल्यूट करने में 4-5 दिन लगता है, सुनने की जगह आने में 4-5 दिन लगता है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि सही अर्थों में देखा जाए, यदि उपलब्धियाँ नहीं, यदि रूप बल धन पद नहीं है तो मैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के साथ हूँ, मेरे को लगता है कि मेरे कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। और यदि हो गया तो अब मैं अहंकार के साथ हूँ। अहंकार का मतलब है तुम मेरे साथ जीने के लायक नहीं हो। हीनता का मतलब है मैं किसी के साथ जीने के लायक नहीं हूँ। ये बात पहुँची? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि मैं किसी के साथ जीने के लायक नहीं हूँ, और अहंकार का मतलब है तुम मेरे साथ जीने के लायक नहीं हो। ये दोनों स्थितियों में मेरी स्थिति क्या होगी? ये दोनों ही सिचुएशन में मेरा क्या होगा? मैं अकेला हो जाता हूँ। इन दोनों ही सिचुएशन में मैं अकेला हो जाता हूँ। दोस्तों, जब भी कोई खुशी मिलती है हमको मानव के साथ बांट के ही अच्छा लगता है। दीवारों के साथ जीना नहीं होता है, जीना तो मानव के साथ ही होता है। और हमारे अहंकार और हमारे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से हम अकेले हो गए हैं, अब जियेंगे किसके साथ? तो इस रूप में कहा जाए तो ये तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये क्लैरिटी बनी, इससे हमको ये समझ में आया कि इस तरीके से जब हम पहचान और सम्मान की तरफ जा रहे हैं तो 3 फ्री गिफ्ट मिलता है। एक फ्री गिफ्ट है भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध और भविष्य की चिंता। ये 3 फ्री गिफ्ट इस रास्ते पे चलने से मिलती हैं। सारी जिंदगी की सफलताओं के बावजूद उम्र बढ़ने के साथ साथ ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई देती है कि घटती हुई दिखाई देती है? ये बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब है कि मैं अहंकार में जिया या मैं खुद को पाया, खुद के नज़दीक आया कि खुद से दूर गया? खुद से दूर गया, इसका ये पता चलता है। इसी का नाम अपने भीतर में युद्ध, ये स्ट्रगल अपने अंदर भी है। अपनी पहचान को लेके मेरे भीतर में स्ट्रगल है ना, मैं जूझ रहा हूँ, है ना। रूप बल धन पद को लेके कम है और किसी की कितना हो, जैसे मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, कितनी बार हमारी ये स्थिति बनती है, दिन में कितनी बार मरना होता है। अपने अच्छे कपड़ों में, अच्छी गाड़ी में हम अपने आप को छुपा लेते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमको तो पता ही है कि हम किस भावधारा से गुजरते हैं। तो इसका मतलब है कि यही संघर्ष और युद्ध है, एक आदमी के अंदर है, एक दो आदमी के बीच है, परिवार में है, समाज में है, देश में है, विश्व में है। दूसरा प्लेनेट मिलेगा तो उसके साथ भी यही करेंगे, क्योंकि माइंडसेट ही हमारा ऐसा है। इसमें एक चर्चा और कर लेते हैं। दूसरा, हमने कोशिश की है कि हमने इंद्रियों से सुख पाने की कोशिश की है, और सुख कितना चाहते हैं? संडे टू संडे, एवरी डे, एवरी मिनट, निरंतर। तो बेसिकली हम सुख पाना चाहते हैं और निरंतर पाना चाहते हैं, और ऐसा हम ही पाना चाहते हैं कि संसार का हर आदमी ऐसा ही है, संसार का हर व्यक्ति ऐसा ही है। इससे ये क्लैरिटी बनी। और हम इंद्रियों से पाना चाहते हैं, तो इंद्रियों में कितना है? क्षणिक है कि निरंतर है? तो एक प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये मोमेंटरी है, और चाहना निरंतर की है जो हो नहीं सकता। एक लोचा। लोचा नंबर दो, और क्या प्रॉब्लम है? इंद्रियों से जब मैं सुख की निरंतरता की तलाश करता हूं तो इसमें क्या परेशानी है? और
इसमें और दूसरी परेशानी ये है कि इसमें निर्भरता है, मेरा खुद के शरीर पे निर्भरता है, दूसरे के शरीर पे निर्भरता है, दूसरे के मूड पे निर्भरता है, हमेशा एक डिपेंडेंसी है जो दूसरे पे बनी ही रहेगी, चाहे खाने को लेके, आहार निद्रा भय और प्रजनन को लेके, तमाम जितनी बातें हैं इसमें किसी दूसरे पे निर्भरता या अपने शरीर पे निर्भरता बनी ही रहती है। तीसरा ये है कि इनपुट बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। मतलब उतना सुख पाने के लिए जो मेहनत करते हैं वो बहुत ज़्यादा है, जितना मिलता है वो बहुत कम है। कैसे? खाने की बात कर लीजिए, प्रकृति में हजारों साल में वो बीज बने होंगे, उसको उगाया खेत में, उगाने के लिए मेहनत, काटने के लिए मेहनत, फाइनली बीज आया, होलसेल के पास गया, रिटेलर के पास गया, हम लेके आए, किचन में प्रोसेस किया और बाद में ढोकला बन गया, और ढोकला जीप पे रखा और गया, इतनी लंबी यात्रा की, जीप पे रखते ही गर्म गया। तो कहने का अर्थ इतना है कि यदि सुख के ढंग से देखेंगे, सुख की मात्रा के ढंग से देखेंगे, तो इनपुट बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा है, उपलब्धि बहुत कम है, है ना? और क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये भी सब्जेक्टिव है, जो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है दूसरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है, तो ये भी सब्जेक्टिव है, उस सेंस में करेंगे। और क्या प्रॉब्लम है? रिग्रेट होता है। रिग्रेट क्यों होता है? माइक उठाओ। रिग्रेट की क्या बात है? कि अगर मैंने सोचा है कि आज ये आज मुझे बाहर का नहीं खाना और फिर भी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, बाहर का खा लेता तो फिर बुरा लगता है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। देखिए फाइनली यही कहें कि फाइनली हम जीना चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। जब भी मुझको ये अपने प्रति ये एहसास होता है कि इंद्रियों के मामले में मैं नियंत्रित नहीं हूँ, मन मुझको चलाता है, मैं मन का गुलाम हूँ और ये मैं ना चाहते हुए भी वही करता हूँ जो मैं नहीं करने का सोचा था, तो मेरे स्वयं के प्रति मेरा क्या होता है? स्वयं के प्रति जीने का विश्वास बढ़ता है कि घटता है? घटता है। गिल्ट होता है, है ना? बार बार सोचता हूँ कि अब वो है ना खाना लिमिट में रखना है, पर अपने मन की चीज आ गई, जाने दे यार, बाद में देखते हैं, अभी तो आने दे, है ना? इसलिए मैं बोलता हूँ लोग शादियों में 200 प्रकार का खाना बनाते हैं, 200 प्रकार की डिश बनाते हैं, तो वही सोच के बनाते हैं कि भाई 1,000-10,000 लोग आएंगे, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, इसलिए अपने टेस्ट का खाना सबको मिल जाए। पर जो शादी में लोग जाते हैं वो बाय नेचर काफ़ी परोपकारी होते हैं, तो वो सोचते हैं कि किचन वाले ने इतना सारा मेहनत करके सारा सामान बनाया है, मैं नहीं खाऊंगा सब चीज़ तो उसका दिल टूट जाएगा। और 200 आइटम चखते चखते पेट भर जाता है, लौटते समय ये भी समझ में नहीं आता खाया क्या था। हम ये तय नहीं कर सकते सारी चीज देख के कि बस मैं ये 2-3 चीज खाऊंगा। क्या करते हैं? अब चक्कर पूरा हो गया, है ना? किसी व्यक्ति के बारे में मुझको पता चलता है कि ये आदमी इंद्रियों के मामले में संतुलित नहीं है, तो उसके प्रति मैं ज्यादा विश्वास कर पाता हूं कि कम विश्वास कर पाता हूं? तो इससे यह भी पता चलता है कि बेसिकली जो हम कह रहे थे कि जीना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस तरह के इंद्रिय सुख के अर्थ में, तो इंद्रियों से सुख पाना गलत नहीं है, फिर से कह दूं, लेकिन निरंतरता की उसकी औकात नहीं है। जो जिसकी औकात नहीं है उसके लिए बढ़िया सूत्र भी है, जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, दुख है। जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, दुख है। जहाँ जो चीज़ है नहीं, जिसकी जो औकात नहीं है, जिसकी जो हैसियत नहीं है, मैं वहाँ से उसको पाने की कोशिश करता हूँ, यही भ्रम है, यही बंधन है, यही दुख का कारण है। बढ़िया, आगे चलें। तो इतनी चर्चा में क्या निकला? क्या सॉफ्टवेयर है हमारा? हमारा सॉफ्टवेयर क्या है?
पहचान की तलाश जहां से है, सुख की तलाश जहां से है, ये एड्रेस ठीक है कि गलत है? जोर से बोलो। कितने प्रतिशत लोगों का? 99.9। तो सॉफ्टवेयर आउटडेटेड है, इन्फेक्टेड है, पायरेटेड है। इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है? इसका फाइनल डेस्टिनेशन यहाँ है। सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं आया। ये इसका अंतिम डेस्टिनेशन। कैसा आदमी? एक ऐसा आदमी जिसको गलत फहमी हो गई कि पानी पीने से पेट भरता है, खाना खाने से प्यास बुझती है, किसी को ऐसा लग गया, मान लिया। तो जब भी उसको प्यास लगेगी तो क्या करेगा? खाना खाने से प्यास बुझेगी कि और लगेगी? फिर प्यास मिटाने के लिए क्या करेगा? और खाएगा। फिर प्यास बुझेगी कि और लगेगी? फिर क्या करेगा? और खाएगा। और एक दिन मरने का समय आ जाएगा, मरते मरते संसार को ज्ञान दे के जाएगा, किसी की प्यास नहीं बुझेगी, मैंने सारी जिंदगी कोशिश करके देख ली, प्यास नहीं बुझती है। प्रॉब्लम केवल इतनी है कि तुम्हारा एड्रेस गलत था। संसार में प्यास नहीं बुझती ऐसा कोई तरीका नहीं है, हर एक की प्यास बुझती है, हर एक की भूख मिटती है। तुम्हारे को एड्रेस पता नहीं था, तुम गलत चीज़ से गलत चीज़ चाह रहे थे। तो इसका मतलब है इंद्रियों में निरंतर सुख नहीं है, रूप बल धन पद मेरी पहचान का आधार नहीं है। फिर रूप बल धन पद क्या है? रूप बल धन पद ये चेहरा क्या है? ये आईडी है, बस इसकी इतनी हैसियत है, आईडी है, पहचान, हमारा पहचान पत्र है। ये पहचान पत्र नहीं होगा तो क्या होगा? रोज झगड़े होंगे। सबकी शक्ल एक जैसी होती तो क्या होता? बहुत मुश्किल होता। तो इसका मतलब है कि चेहरे का इतना ही मतलब है कि वो आईडी है। यहां तक चेहरा रहेगा तो ना आपको तंग करेगा ना दूसरों को तंग करेगा, इससे ज्यादा रहेगा तो आप भी तंग होंगे, दूसरे भी तंग होंगे। तो ये क्लैरिटी हमारी बनी कि बेसिकली क्या बात कह रहे थे, कहां पहुंचे? हाँ, रूप बल धनपद। फिर रूप बल धनपद का मतलब क्या है? ये क्या चीज के लिए है? जैसे रूप का हो गया, आईडी है, पद और धन क्या चीज है? तो एक तो ये हो गया कि जब हम रूप बल धन के, रूप बल और धन की बात करते हैं तो रूप तो आईडी हो गया, बल और धन क्या? तन और मन। तन और मन क्या चीज है? अपना जिंदा रहने का जुगाड़ है, प्लस समझ पाने का जुगाड़ है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कोई शरीर से बोलता है, हम शरीर से सुनते हैं, चलो हम मेहनत करके पद पा लेते हैं। पद क्या चीज है? पद मेरी पहचान का आधार है या पद क्या चीज है? इसलिए पांचवी चीज और भी होती है, पद सम्मान का आधार नहीं है, पांचवी चीज और भी होती है जिसको बुद्धि के रूप में पहचाना है। सभी मानव के पास में पांच ऐश्वर्य हैं, रूप बल धन पद और बुद्धि। ये पांच ऐश्वर्य सभी मानव के पास हैं। अभी हमने चार पे काम किया है, रूप बल धन और पद को हमने जीने का आधार बनाया। बुद्धि जिसको हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, वो मेमोरी और लॉजिक को बुद्धि बोल रहे हैं, उसको बुद्धि यहाँ नहीं बोल रहे हैं। बुद्धि का मतलब है जहाँ बोध होता है, बुद्धि का मतलब है जहाँ बोध होता है, बोध का मतलब जहाँ जानना होता है, जानने का मतलब जिसकी वजह से जीना होता है। तो जानने की अभिव्यक्ति ही जीना है। तो बुद्धि का काम अभी हमने नहीं किया है, 99% लोग बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। हमने केवल मेमोरी और लॉजिक का प्रयोग किया है अपनी वर्तमान शिक्षा में, बुद्धि का प्रयोग वर्तमान शिक्षा में नहीं होता है। जिसको बुद्धि यहाँ कहा जा रहा है, जहाँ बोध होता है, बोध का मतलब है प्रकृति के नियम को पहचानने की योग्यता। बोध का मतलब है जो नेचर का नियम है उसको मैं डायरेक्टली पहचानता हूँ, उसको मैं अनुभूत करता हूँ, उस स्थिति का नाम बोध है। उस बुद्धि, वहां पे हम बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तो पद का क्या मतलब है? पद का क्या मतलब हुआ? हाँ, तो बेसिकली इतना ही हुआ। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपके सामने टीचर की भूमिका में हूँ, एक मित्र के रूप में आपसे शेयर करता हूँ,
तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास कोई विज़न है, मेरे पास कोई क्लैरिटी है ना, मैं उसको आपके सामने शेयर करता हूँ। तो शेयर करने के लिए मेरा, मान लीजिए मैं टीचर के पद पे हूँ, तो हम माँ के पद पे हैं, हम पिता के पद पे हैं, हम भाई के पद पे हैं, हम SDM के पद पे हैं, हम कलेक्टर के पद पे हैं, तो पद से सम्मान होगा कि पद पे बैठ के डिलीवर क्या किया उससे सम्मान होगा? हम माँ होने से थोड़ी सम्मानित हो गए, माँ होके किए क्या? यदि माँ होके हमारे पास माँ के पद के होने की क्लैरिटी नहीं है, माँ के होने की समझ नहीं है, तो बच्चे के साथ झगड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम पति हुए, हम पत्नी हुए, यदि पत्नी और पत्नी का पद पा गए और पद की क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, तो आपस में झगड़ा कर रहे कि नहीं कर रहे? इसका मतलब क्या हुआ कि पद से हमारा सम्मान होगा कि पद पे बैठ के डिलीवर क्या किया, दूसरे के लिए उपयोगी कैसे साबित हुए, एक पति अपनी पत्नी के लिए कैसे उपयोगी साबित होगा, एक पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए, बच्चे माँ बाप के लिए, इसका मतलब पद क्या है? पद क्या है? पद क्या है? बुद्धि को व्यक्त करने का साधन है। पद क्या है? अपनी समझ को व्यक्त करने का साधन है। समझ नहीं है तो पद आपके और दुनिया पे बोझ है। तो इससे हमारी ये क्लैरिटी बनी कि जिसको हम मान रहे थे कि पद सम्मान का आधार है, पद सम्मान का आधार है कि वो सम्मान का अवसर है? अवसर है। यदि बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो हम माँ बाप होके भी उस सम्मान को नहीं पाए, पति पत्नी होके भी उस सम्मान को नहीं पाए, जब घर में नहीं पाए तो बाहर कैसे पाएंगे? बढ़िया, शानदार। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी। तो बेसिकली जिंदा रहने को लेके हमने बात किया, इसको लेके हमारी कुछ क्लैरिटी बनी, है ना। लौट के हम जब मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगे? आज 3 बजे। बताओ, कुछ लोग रात को देर से आए होंगे तो थोड़ा देर कर लेते हैं। 3 ठीक है, 3:30 ठीक? 3 वाले हाथ उठाओ। 3 बजे ठीक है? 3:30 बजे ठीक है? इक्वल संख्या, 3:15, 3:15 बजे फिर मिलेंगे और जीने की बात करेंगे। तब तक जितनी चर्चा हुई है, देखिए मेरे को लग रहा है सभा के लिए जोरदार तालियां। बहुत ही बढ़िया ग्रुप है, बहुत ही ट्यून्ड ग्रुप है। तो मेरे को लगता है कि जो बात हमने सुबह की है, 30 तारीख को 1:30 बजे हमारे पास ये उपलब्धि का क्षण हो कि वाकई में कुछ बढ़िया चीज पाए, तो इसके लिए डे बाई डे जितनी चर्चा होती जा रही है, उस चर्चा के साथ अपने में बने रहिए, अपने आप में शोध करते रहिए, मैं इस चर्चा में कहाँ हूँ, है ना, कहाँ लोचा होता है, क्यों होता है, सोचते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।